जिन्होंने दो क्लास देखी है वो ये लगा लो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अच्छा खासा न्यू न्यू तैयार किया हमने। लास्ट टाइम हमने बात बताया था मैंने आपको, हमने क्या सीखा था, 2 1 3 3 1 4 6 4 1 इन चीजों पे काम किया था हमने। इनकी मदद से ग्राफ मेथड को तोड़ दिया था और हम अपना टाइम सेव किया था। हमने लास्ट टाइम 3 3 1 करके क्या निकाला था भाई, 3 3 1 से क्या निकाला था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अगर 4 साल की बात है तो क्या यूज कर सकते हैं, हम 4 लाइन लगा सकते हैं, बट हमको क्या करना है, ग्राफ मेथड को तोड़ना है भाई। उस ग्राफ को तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं 4 6 4 1 भाई। ठीक है, बताओ, समय बचाना है तो हमको इस पे काम करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, अगर 3 साल की बात है तो इसका क्या करो, 3 बार क्या निकाल दो, इंटरेस्ट निकाल दो। बट यहाँ पे बात कितने की है, यहाँ पे बात 4 साल की दे रखी है, तो क्या करेंगे, इसका 4 बार इंटरेस्ट निकाल देंगे। 12,000 का 20% या 1/5 कितना होता है, 2400 रुपये। ठीक है भाई, उसके बाद इसका तो 20% आ गया, अब इसका फिर से 20% निकाल दो, कितना आएगा, 480। इसका 20% 96 रुपये। करना कैसे, कुछ नहीं करना, 480 × 20% के लिए नीचे 100 लगा दो, 1 0 से 1 0 और 48 2 96 बताओ भाई। ठीक है, इस 96 का फिर से क्या कर दो, एक बार 20% निकाल दो, ये आ जाएगा आपका 19.2। अब क्या करना है, इसकी 4 बार गुना, देखो 24 चौके 96, इसकी देखो 300, 300 में से 12 गए 288। देखो भाई, कैलकुलेशन देखा करो, मैंने क्या किया, मैंने मैंने इसको 50 मान लिया, क्या मान लिया इसको, 50 50 सिक्के, 300 और 2 कम 2 सिक्के, 12 12 माइनस कर दिया। कैलकुलेशन इजी होती है इनसे आपकी, क्या होती है कैलकुलेशन इजी होती है। अब देखो इसको भी कर सकते हैं हम, 100 चौके 400 4 16 माइनस क्या करना है, इसको 100 मान लो, 4 एक्स्ट्रा लिया है तो 4 चौक 16, 16 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 और यहाँ पे 19.2। देखो इससे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी भाई, इजी होगी। इन सब का सम करेंगे, सम क्या मिलेगा हमको, सम करना पहले इनको जोड़ लो, फिर इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो। ठीक है, मैंने सम किया हुआ है, मेरे पास सम कितना है, 12,000 ठीक है भाई, 8 ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा CIE। इसको यूज करके हम ग्राफ मेथड को तोड़ सकते हैं। ये तो थी लास्ट क्लास की बात हमारी, आज बात करते हैं हम रेट के ऊपर, कितने तरीके से रेट को फाइंड आउट करेंगे। ये टाइम जो आपका टाइम है ना, ये आपका मेहनत का टाइम है भाई, आप अपनी आपकी पढ़ाई के ऊपर ही आपके परिवार का सामंत टिका है। जितनी मेहनत आप इस दौर में करोगे उतनी ही जिंदगी आपको लौटाएगी, याद रखना, जितना आप देते हो जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी लौटाती है। और आप ये पेड़ में पानी डालोगे, खाद डालोगे, तो पेड़ आपको क्या लौटाएगा, फल लौटाएगा आपको। वही बात हमारी जिंदगी पे लागू होती है। आज बात करते हैं आपकी फर्स्ट क्लास की, आज ये लगा लो प्री लेवल की क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी। हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, आज हम रेट को लेकर चलते हैं, रेट पे काम करेंगे। तो टेक्निकल टीम है नहीं, तो मेरे को एक क्वेश्चन डिस्प्ले कराना भाई। ठीक है, चलो बात करते हैं आज की क्लास की बात।
अब तक हमने क्या क्या सीखा, हमने आज तक 3 साल का सीआई निकालना सीख लिया, 2 साल का सीआई निकालना सीख लिया, डिफरेंस दे रखा हो तो क्या सीख लिया भाई, प्रिंसिपल निकालना सीख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमने क्या सीखा, 2 चीज़ दे रखी है हमको, हम क्या निकालते थे, तीसरी चीज आज हम क्या निकालेंगे, रेट, क्या निकालेंगे भाई, रेट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए लोन 305 डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, 305 रुपए का ऋण 3 वर्ष बाद 670 रुपये दे कर चुका दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज, इसने क्या बोला, इसने बोला भाई 305 रुपये का ऋण, क्या भाई 3 साल बाद 605 रुपये दे के क्या कर दिया, चुका दिया गया, क्या करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जिन बच्चों को क्वेश्चन आता है उसको कर लेंगे, ये है थोड़ा हा आगे का लेवल, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, जिनको आता हो उसको सोल्व करें, मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से या टाइप 1 से हम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी देना मेरे को, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई, 282.15 तथा साधारण ब्याज कितना है, 270। इसने क्या बताया, सीआई दे दिया 2 साल का इतना और एसआई का दे दिया इतना। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि मतलब, चक्र मतलब बार बार, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अलग अलग, क्या होता है भाई अलग अलग, और एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, इक्वल होता है, ये बराबर होता है। तो देखो 270 है, 2 साल की बात की है, 2 साल है तो हमको पता है 2 साल की क्या करते हैं हम, 2 लाइन लगा दो, क्या करते हैं 2 लाइन, 2 साल का साधारण ब्याज इक्वल है, तो पहले ईयर में कितना आया 135 और दूसरे साल में कितना आएगा 135 135, तो याद होगा हमने क्या किया था, AAB निकले दोनों सेम दूसरे साल का, तो ठीक है भाई। अब देखो 135 पहले साल का, 135 ये, तो 70 यहाँ क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो आता है, अंतर ही तो आता है, तो 70 और ये इतना। क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन में है बचा कितना यहाँ पे, 12.15। देखो पहले साल का कुछ राशि, यहाँ पे कुछ राशि होगी प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या लगा लो, यहाँ पे होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि पहले साल इतना ब्याज आया, दूसरे साल इतना आया, और इस वाली टर्म पे ये ब्याज आया, डिफरेंस यहाँ क्या आता है, अंतर ही तो आता है। हमने क्या लिखा है 282.15 का और इस एसआई का अंतर जो लिखा है यहाँ पे। रेट निकालने के लिए एक बात का ध्यान रखें, रेट के लिए क्या चाहिए हमको, हमेशा 1 साल का गैप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 साल की बात है यहाँ पे, गैप तो 1 ही साल का होगा, 1 ईयर का ही गैप है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन गैप कितना होना चाहिए, 1 ईयर, और किस अमाउंट पे ब्याज निकाला जा रहा है, किस अमाउंट से वो आया है। देखो 12.15 135 पे परसेंटेज के लिए 100 कर दो, ठीक है, इस पॉइंट को हटा नीचे का लगा दिया, 100 से 100 कट गया। अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन में देखो, आप देखो डिवाइड कैसे करना है, आपको डिवाइड कैसे करोगे,
135 है, 100 मान लिया मैंने, 100 नहीं मैं 900 भाई अप्रोक्स बैठ रहा है। अगर मैं 13 करता हूँ, 130 30 की गुणा करता हूँ यहाँ से, 3 × 27 यानी कुछ इसके आसपास जा रहा है। तो देखो 135 की टेबल में 5 × 45 5 × 25 5 तो कम मिलेगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, 9%। ये क्या आ गई हमारी रेट आ गई, ठीक है भाई समझे, बताऊँगा अभी क्वेश्चन चलते हैं। सीरीज वाइज चीज़ें स्टार्ट हुई है आपकी, देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई थी, इतना कुछ करने जरूरत नहीं थी, इसका आंसर हम इनको जोड़ के दे सकते हैं, 5 × 8 = 9%। ये क्या हमारा डिजिट सम, ये क्या हमारा डिजिट सम आएंगे, बताऊंगा कैसे आया ये डिजिट सम, धीरे धीरे सब बताएंगे आपको, सिंप्लीफिकेशन में बताऊंगा आपको, ये डिजिट सम से इसका आंसर एक विद इन एक सेकेंड में हमारा आंसर मिल गया है। मैं क्या बताया, रेट निकालने का काम हम एक ईयर के गैप के ही गैप पे ही करेंगे। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, उसने क्या बोला, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 225। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 3 साल का SI 225। उसके बाद क्या बोला उसने, तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 153 रुपया। फाइंड द चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, अब देखो हमको पता है 3 साल के लिए हमारा है इतना, 3 साल है ऐसा ही क्या होगा, इसको देखो 1 2 3 75 पहले साल भी इतना, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, 7 × 21 = 210 और 5 × 15 = 225 इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ पर उसने क्या दे दिया, 2 साल का CI दे दिया हमको, कितना 153। 2 साल हमको क्या कितना चाहिए, इसकी तो जरूरत है ही नहीं हमको, 75 150 2 साल के CI का और 2 साल के SI डिफरेंस कितना आ रहा हमारा, 3 चाहिए क्या हमको, एक यहीं पे 1 साल का गैप है, 3 रुपये ब्याज आया 75 की राशि पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दो, 25 × 3 = 75 25 × 100 3 × 3 कितना आंसर आ गया आपका, 4%। बताओ रेट आई या नहीं आई, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 साल की बात है। अब देखो अगले क्वेश्चन नंबर से हम क्वेश्चन नंबर 3 भाई, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये है, सुनना भाई, 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 900। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318। रेट पता करनी है, जरूरत नहीं है हमको पेन उठाने की, हमको पता है 3 साल की बात कर रहा है, तो ऐसा ही क्या होगा, इक्वल 300 300 300 300 यहाँ पे आ गया, 300 यहाँ पे आ गया, 300 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सेकंड ईयर सी आई, देखो भाई 900 300 300 आया, ये कितने का रखा है, 18 का 300 × 100 18 बैठा है 300 पे, 318 6% आंसर आ गया इसका, कैसे आया, जरूरत नहीं हमको पेन उठाने की। देखो मैंने क्या बोला, 3 साल का, 3 साल का क्या होगा भाई, 300 300 300 पहले साल भी इक्वल, दूसरे साल भी 300, इसमें क्या बोला, 2 साल का CI कितना है, 318। मैं सेकंड ईयर तो हमारा ये है, 318 300 जो है ही, कितना आ गया, 18 ब्याज आया 300 की राशि पर, 18/300 गुना परसेंटेज के लिए 100, 2 × 0 = 2 3 × 18 6% आंसर आ गया हमारा। ये हमारी रेट की पहली टाइप, देखो झूठ नहीं है आपको पहले उठाने की, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
क्या बोला? 125 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 216 रुपए हो जाएगी? इसने पूछा हमसे 125 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 216 रुपए हो जाएगी 3 साल में। 3 ईयर की बात करता है भाई। अब मैंने आपको चीज सिखाई है, ये क्या हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, और ये क्या हमारा अमाउंट। देखो मैंने आपको जीपी कंसेप्ट ना बताया था। जीपी क्या होता है? जीपी कंसेप्ट मैंने आपको ए आर क्यूब AR4। अगर 3 साल की बात करते हैं तो यहाँ से 3 साल देखो तुरंत नियम को इनकी जो कॉमन है वो काट दो, ए यानी कि रेट का क्या रखा है भाई, क्यूब हो रखा है। ठीक है, अब बात वापिस आ रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, 3 साल की बात है तो इसका क्या निकाल दो, क्यूब रूट निकाल दो इसका। देखो क्यूब रूट क्या है, पता है हमको? 5 6 5 6। गैप कितना आया यहाँ पे, 1 साल का गैप आ गया। अब क्यूब कैसे निकाला, सिंपलीफिकेशन पढ़ेंगे हम। 1 रुपये ब्याज आया किस राशि पे, 5 पे परसेंटेज के लिए 100, क्या आ गया, 20% रेट आ गया हमारी। बताओ क्या था इसमें, सिंपल से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भैया हम। 3,000 रुपये की धनराशि, 3,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से 3 साल में कितनी हो जाएगी, 3,993 हो जाएगी। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या करो, जो कटते हैं ना यहाँ पे जो चीज कटते उसको क्या कर दो, काट दो। मैंने काट दिया इसको, 3 साल की बात है भाई, फिर से 3 एकम 3 3 एकम 3। कुछ देखा देखा लग रहा हूँ आपको, मैंने बताया था आपको 11 का क्यूब भाई ये। 3 साल में क्या निकाल दो, क्यूब रूट निकाल दो, यहाँ पे कितना आ गया, 10 3 11। एक 1 रुपये ब्याज आया 10 पे 25 के लिए 100, 10% क्या आ गया हमारी रेट आ गई है, 10% क्या आ गई रेट आ गई। अब देखो अगर आपके ऐसी संख्या आए, वो करते हैं भाई हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्प्ले हो जाएगा आपको। किस वार्षिक ब्याज दर से 2304 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2,500 हो जाएगा। इसमें क्या बोला कि कोई राशि 2304 रुपये से चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 हो जाएगी। बात करता है 2 साल की, मैंने बताया आपको 3 साल की बात है तो क्या कर देंगे हम, क्यूब रूट यहाँ पे बात 2 साल की। सबसे पहले जो कटता है उसको काट दो, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिला, 576। 2 साल की बात है, क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, 24 24 576, 25 25 625। गैप ब्याज कितना आया, एक आया किस पे, 24 पे गुना 100, जो कटते हैं उनको काट दो। कटने के बाद आप, मैंने काटा 4 6 24, कितना आ गया, 25/6 यानी कि 4 सही 1/6%, 4 6 24 25/6। ठीक है भाई, ये क्या आ गया आपकी रेट। देखो 3 साल के लिए हमने क्या निकाल ली, रेट निकाल ली, 2 साल के लिए क्या निकाल ली, रेट निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन्हें पूछा किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन अपने आप का 25/16 गुना हो जाएगा। इन्हें बोला मूलधन नहीं डालना है, हमने मान लिया मूलधन 1। इसने बोला कोई राशि 2 साल 2 वर्ष के बाद अपने आप कितना हो जाएगी, 25/16, 16 उछड़ गया, कितना होगा, 16/25 को कट रहा है, काट दो, 2 साल क्या क्या कर दो, रूट निकाल दो,
405 कितने अंतर कितना है, एक का एक बटा चार गुना सौ कितना आ गया 25%, कितना आ गया भाई 25%। सिंपल सा है, आसान है। देखो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप डेली नियमित रूप से देखिए, मैं आप जिम जाइए दिन में आध घंटा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप 6 महीना डेली जिम में जाए, आपको 6 महीने बाद वर्कआउट का नतीजा दिख जाएगा, कितना फर्क मिला है आपको। क्वेश्चन कौन से, मैं क्वेश्चन आगे हम भाई 8 नंबर में, इसने बोला कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धन 5 वर्षों में 1.6 गुना तथा 7 वर्षों में 2.5 गुना। इसने बोला कोई धन 5 साल में कितना हो जाता है, 5 साल में 1.6 गुना और 7 साल में अपने आप का 5 गुना हो जाएगी। 7 साल में अपने आप का कितना हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी। कटते हैं काट, तो पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, पॉइंट काट, 2 साल की बात है। देखो गैप कितना है यहाँ पे 2 साल का, अंडर रूट कर दो 4/5, एक एक बड़ा 4 गुना 100, 25% बताओ भाई क्या था। शब्दों का गेम है सारा, शब्दों को समझो ठीक है। हमेशा एक बात रखना, पहले वाला क्या होता है मूलधन, और दूसरे वाले क्या मानते हैं हम मिस्टर धन। पहले वाले राशि क्या हमारी मूलधन, और दूसरे वाले राशि क्या हमारी मिस्टर धन। टाइप वन करेंगे भाई। देखो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। इसने बोला 2000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 315.25 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात की। जिसने क्या बोला, हम कुछ कह दीजिए 2000, इसने बोला 2000 रुपये की धनराशि पर यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना दे दिया इसने, 315.25 ठीक है। ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की क्या करो भाई दर ज्ञात करो। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, मूलधन और क्या चल रहा है मिश्रधन। मिश्रधन क्या करो आप इसको इसमें जोड़ दो, प्लस कर दो, क्या आएगा हमारे पास अमाउंट, क्या आ जाएगा हमारे पास 2315.25। इसका खेल खत्म यहाँ से, क्या मिलेगा हमको मूलधन मिश्रधन, पॉइंट खत्म करके यहाँ पे क्या लगा दो 2-0 नीचे 100 और 100 इधर क्या हो जाएगा गुणा ठीक है। अब देखो इसको मैंने कर दिया कट लाया भाई। अब देखो बात क्या करता है, ये 3 साल की क्या करता है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 साल की बात करता है। 3 साल के लिए क्या निकाल दो, क्यूब रूट निकाल दो, हमको पता है ये किसका क्यूब रूट है, इसका ये किसका है 21 का, 1 रुपया अंतर आया किस पे, 1 रुपया 20 पे गुणा 100, 5% क्या आ गया भाई, 5% क्या आ गई हमारी रेट आ गई। देखो भाई हमने फर्स्ट टाइप क्या थी हमारे पास है, हमको 2 साल का 3 साल का CI दे दिया, हमने क्या किया उससे रेट निकाल दी। अब क्या था मूलधन दे दिया या ब्याज दे दिया, क्या दे दिया मिश्रधन दे दिया, हम क्या निकालते थे ब्याज। किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर तथा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात
23 रेशो 7 है। ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। 3 साल के लिए मैंने बताया आपको, 3 साल की बात हो तो क्या लिखते हैं हम, सॉरी बी 2 साल की क्या करते हैं, बोला इसने 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज था, 2 साल की क्या करते हैं हम, ए ए बी। इसने दिया क्या, इसने दिया है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, यानी कि ये टर्म दिया और ये टर्म दिया है। क्या दिया इसने, ये दिया हमको कितना, 23:7। बड़े काम की चीज़ें होंगी ये ध्यान रखना। क्या दिया इसने, इनको मैं हटा देता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैंने यहाँ से लिख लिया 3b + c इज इक्वल टू कितना, बी। ये अंतर, अंतर तो दिया है इसने, अब देखो इसने अंतर कितना दिया, 23, ठीक है, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 7। इस 23 को तोड़ लिया मैंने यहाँ पुट करके, 7 3 × 7 प्लस में क्या आएगा, 3 × 7 = 21। 23 के लिए क्या आएगा यहाँ पे, 2। बताओ आया है नहीं आया, कितना आया भाई, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो हम, हमको क्या करना, हमको बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, हमको पता है देखो ए ए ए बी बी तो एक बी आ गया, ये सी, यही वैल्यू आई हमारे पास। यहाँ पे गैप कितना, 1 साल का, 2 रुपये ब्याज आया किस पे, 7 पे, परसेंटेज के लिए 100, कितना आ जाएगा, 28/4/7%, कितना आ गया भाई, 28/4/7%। थोड़ा हार्ड टाइम लगेगा बट आप समझ जाओगे इन चीज़ों को। एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप है, देखो उसमें क्या दे दिया है उन्हें, क्वेश्चन नंबर 12, किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, अब एक बार क्या दे दिया यहाँ पे, 3b + c इज इक्वल टू बी दे दिया है, कितना, 31:9। बी की वैल्यू 9 है, इसको तोड़ लेते हैं, 3 × 9 = 27 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 4 रुपये ब्याज आया 9 की धनराशि पे, गुना 100 कर देते हैं यहाँ पे, कितना आ गया, 400/9%, तोड़ लेना इसको, और ऑप्शन 44/4/9%। देखो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे डिवाइड करने की, ऑप्शन चेक करो, नीचे 9 है तो क्या करेंगे यहाँ पे, 44/4/9%। बात करते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की, इसने दिया 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात, 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात दे दिया इतना, रेट याद करो। अब एक बात मैं बताया आपको, 3 साल के लिए ठीक है, और क्या दे दिया, 3 साल के लिए साधारण ब्याज का अनुपात, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये तो होगी 3 साल की बात, और 1 साल का क्या आएगा, ए, 1 साल का क्या आएगा भाई, ए, 1 साल का क्या आया हमारे पास, ए, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को, 3a + 3b + c = a, कितना दे दिया,
3.64, इसको पॉइंट हटा दें यहाँ से, क्या लगाया। अब देखो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ना बी को पता ना सी का पता। तो देखो 100 3 गुना 100 कितना है हमारा 300। यहाँ पर 3b + c निकला है, यानी कि 300 आया हमारा। बात करते हैं 3b और c की। ऑप्शन चेक करो आप एक बार, ऑप्शन दे रखे इन्होंने 4%, 20%, 6%, 10%। ऐसा ही इक्वल होता है, मैंने क्या लिया यहाँ पे 3 साल के लिए 100, एक वाले 100 आई है तो 3 साल के क्या चलेगा हमारा 100 100 100। ऐसा ही बराबर होता है तो 3 साल के 300 लौट 100 मान लिया। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 4%, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे भाई, अप्रोक्सीमेशन मतलब 4%, 4% कितना आएगा इसका 4% 1/25 यानी कि 4, यहाँ पे भी 4, बताओ इसका 4 इसका 4 उसका 4 आ जाएगा। ठीक है, और क्या जो रखा है इसने, इसका 0.16 इस 4 का। अब देखो 300 तो है हमारे पास, 4 × 3 = 12, 12.16 कितना आया 312.16। और क्वेश्चन में दे के रखा था हमको 3.64 यानी कि 364 के आसपास बैठा चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हुआ हमारा गलत। अब देखो 312.16 आया। अगर मैं अब की बार मैंने क्या किया, मैंने रेट ले ली कितनी, दूसरा ऑप्शन कितना मेरे पास 20%, क्या भाई 20% यानी कि 1/5। सो का 20% कितना होता है 20 का 20% कितना होता है 4। देखो 20 20 20 कितना आया 64, 100 100 300 कितना आया 364। और क्वेश्चन के अंदर रखा हमको 3.64, तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा 20%। ये भाई आपका क्या अप्रोक्सीमेशन, ऐसे निकालते हैं ऑप्शन यूज करके आप। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। दो धनराशियों का अनुपात 4:5 है, अरे जा भाई दो धनराशियों का अनुपात 4:5। इसने बोला वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती हैं, तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इसने बोला 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। अब देखो बात कर रहा है 1 साल की, ठीक है, ब्याज कितना यहाँ पे 1 साल का, एक ब्याज आया 1 रुपया इस पे 4 पे गुना 100, रेट कितनी आ गई 25%। मतलब क्या था, शब्दों का गेम है मेरे भाई, शब्दों का है, शब्द आगे सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। देखो किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7वें और 8वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 700 और 784 रुपये है, दर ज्ञात कीजिए। इन्हें बोला किसी की चक्रवृद्धि ब्याज से 7वें और 8वें क्या दे दिया भाई इन्होंने 700 और 784। सिंपल है, अंतर कितना है यहाँ पे 84 का अंतर किस पे 700 पे गुणा 100 700 कितना आ गया 12%। देखो भाई अलग अलग तरीके से हम रेट निकाल रहे हैं, आज रेट का कंसेप्ट हो ही जाएगा आपका। अब देखो CI of 17 year, देखो भाई 17वें और 14वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लिखी है 496 3375, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो 1700 का लिखा है, इसको आप क्या कर लो आगे पीछे लिख लो, ये है 17 का ही 14 का, मैंने लिख लिया
ये वाला आ गया, यानी पहले 14 साल, यानी कि ऐसे कर लो, कोई धनराशि 14 ईयर कितना है, 3375। 17 साल की बात करें तो 17 ईयर कितना आता, 4096। गैप कितना है मेरे भाइयों, गैप 14 और 3, 3 साल का गैप है। तो क्या कर देंगे हम, रूट निकाल देंगे। अब देखो 15 का होता है 15 × 5 = 225, 225 × 15 कितना होगा भाई, क्यूब रूट निकाल दो। 3 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कितना आएगा 16, 1 रुपया अंतर आया 15 पे × 100, 5 × 15 = 2500, 30/3%। ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 6 × 2/3%, 6%, 7%। फर्स्ट ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 6 × 2/3% कितना भाई, 6 × 2/3%, 6 × 3 = 18 और 2 × 20/3, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज भी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था भाई, ये एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, तो आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, देने रखा मैं वैसे बताता हूँ आपको, 300 क्वेश्चन है भाई, पर बता रहा हूँ 305 रुपये का ऋण 3 वर्ष बाद 670 रुपये देकर चुका दिया गया, क्या बोल रहा, 305 रुपये का ऋण 305 रुपये का ऋण 3 साल बाद 670 रुपये देकर चुका दिया गया, 3 साल की बात है भाई, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ऑप्शन है आपके पास 30%, 35%, 33%, मैं देता हूँ 30, 35, 25 और 33%, ये क्या है भाई हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 3 साल की बात है, अंतर याद कर लो, 3 साल का कितना है 300, 300, 600, 305 कम कर लो यहाँ से 365 रुपये, 365 रुपये ब्याज मिला हमको कितने पे, 300 पे, परसेंटेज के लिए 100। अब देखो मल्टीप्लाई करते टाइम डिफिकल्टी हो गई हमको, 305 है, ठीक है 305 है ये। अब देखो 305 से ऐसे तो भाग होगा नहीं है, अब क्या करो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, कैसे देखो भाई, मैंने इसको मान लिया 300, क्या मान लिया भाई 300, 200 रुपये, ठीक है इसको हटा कर देते हैं, ठीक है 305 था, मैंने 300 मान लिया, 3 देखो 3 × 3, 3 × 2 = 6 और इसको मान लिया मैंने 6, अप्रोक्सीमेशन करते हैं भाई, 3 × 2 = 6 कितना आया 122 आया, बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 305 है, कितना है 305, मतलब आंसर क्या होगा 122 से तो कम ही होगा, क्या होगा 122 से कम होगा, क्योंकि 305 था, मिले कितना चले 300। ऑप्शन चेक कीजिएगा आपको क्या करना है भाई, ऑप्शन थे हमारे पास 30, 35, 33, 25, 30, 35, 33, 25, 122 किस रेट से भाई, प्री लेवल है थोड़ा सा, 20% क्वेश्चन टफ आते हैं, टफ नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखो इनमें से किस रेट से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा हमको 122%, इफेक्टिव रेट पे काम करते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन लेते 30%, देखो क्या है 30 + 30 + 30 × 30/100, फिर झुकट गई कितना आया 30 × 30 = 60, 3 × 3 = 9, 69 कितना आया भाई 69, ठीक है ये है 1 साल के लिए। आप कहते 69 + 30 + 69 × 30/100,
ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया हमारा 1730, यानी कि एक कम कर लिया 99, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, कितना आया 69 गुणा 3, क्या कर ले 70 गुणा 3 कर लो, 7 3 तो कितना आ गया 210, और 3 कम कर दो कितना आ गया 207, ये कितना आ गया 207, पॉइंट हटा दो पॉइंट, कितना आ गया 20.7, सो 119.7 समथिंग आ गया 3 साल में। क्या पता मैंने 122% से कम ही होगा, अप्रोक्सीमेशन आंसर क्या है 119.5, क्वेश्चन ने पूछ भी रखा है अप्रोक्सीमेशन निकाल ले। ये था हमारा क्वेश्चन, हर क्लास में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मैं बस एक बात चाहूँगा ना आपको कि जितनी मेहनत आप करने में लगे हैं, 2 घंटा करते हैं 3 घंटा करते हैं, ईमानदारी से कीजिए, आपकी मेहनत ही आपके परिवार का आपके फैमिली का सिर ऊंचा करेगी। इसी के लिए आज क्लास ख़त्म करते हैं हम, क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा, आपकी अपनी क्लास है, धन्यवाद भाई। आप तक हमने पिछली क्लास में रेट निकालना सीखा है, हमने क्या सीखा अब तक, हमने सीखा भी रेट कि रेट को कैसे निकालते हैं, 3-4 तरीके से मैंने आपको बताए। आज बात करते हैं हम टाइम पे, टाइम दो तरह का होता है भाई, एक तो क्या होता है कंप्लीट, एक क्या होता है पॉइंट में, मतलब 1 साल की बात करें, 2 साल की बात करें, 4 साल की बात करें, या 5 साल की बात करें, या 19 साल की बात कर ले, ठीक है। पॉइंट में क्या आता, 2.5 साल की बात कर ली भाई, 9.5 की बात कर ली, 8.883 की बात कर ले, मतलब पॉइंट का माध्य मिलेगा आपको। बड़ी बेहतरीन क्लास है, मेन लेवल की क्लास, आज की क्लास बड़े ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। YouTube के इतिहास में आपको एक क्लास मुश्किल मिलेगी भाई, टाइम वेस्ट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो भाई पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा आपके सामने, कितने समय में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से 1323 हो जाएगी। इसने क्या बोला, 1200 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी 1323 हो जाएगी, कितनी 5% वार्षिक दर से, रेट क्या दे दिया 5% वार्षिक, मतलब 5% 5/100 यानी कि 1/20, जो मैंने बताया था जो कटता है उनको काट लो, 3 से 12 400 और 3 से आ जाएगा हमारा 441, ठीक है। इसने बोला कितने समय 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी 1323 हो जाएगी। देखो ये कहता अगर 20 रुपये जमा करता तो 1 साल बाद इसको बैंक से कितना मिलता 21, ठीक है। बट इसने बोला क्वेश्चन में 5% वार्षिक दर से, अब मेरे को एक बात बताओ बीच का क्या करे कि क्या हो जाए 400, दिख रहा आपको कितना मिल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे 20 का स्केल हो रहा ना, तो मतलब 2 हो रहा है इसका, मतलब ये 2 टाइम नहीं आया भाई, ये 2 क्या आए हैं स्लोट आए हैं, एक स्लोट कितने का है वार्षिक 1 साल का, तो 2 × 1 टाइम कितना आ गया आपका 2 ईयर। ये तो है पहली टाइप जिसमें क्या दे रखा है, दर दे रखी है भाई वार्षिक। देखो क्या किया 1200 रुपये धनराशि कितनी हो जाती है 1323 इस दर से। इसने पूछा समय,
तो बी अगर 20 रुपये जमा करता एक साल बाद 21 मिलते, अब क्या करना हमको 20 का क्या करें, क्या हो जाए 400 हो जाए। तो क्या किया हमने स्केयर, एक दो टाइम नहीं आया, ये क्या है भाई दो स्लोट आए हैं, दो स्लोट इनटू एक क्या है वार्षिक एक साल। अब ये जो गुना हो के जो आया ये क्या है हमारा टाइम, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से कितनी हो जाए 1331, जबकि ब्याज की 6 माही संयोजित होता है। अब क्या बोला इसने 20% वार्षिक दे दिया और एक लाइन बोली ब्याज 6 माही संयोजित होता है, मतलब 20% की 12 महीने की दर है 20%, ठीक है। 6 महीने कितने आ जाएगी भाई 10%, आधा हो रहा है ना, आधा कर दिया हमने। अब की बोला इसने ब्याज 6 महीने शब्दों भागे में 6 महीने संयोजित होता है। तो देखो अगर 10 रुपये जमा करता बैंक में तो एक साल बाद कितने मिलते उसको 11। अब इसने बोला 10 का क्या करे कि क्या हो जाए 1000, यानी कि शेर दिख रहा हमको क्या हो रहा है यहाँ पे क्यों, मतलब 3, ठीक है। अब फिर पूछेगा सर आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे क्यों नहीं की, भाई चाहे आप ये मल्टीप्लाई कर लो या ये कर लो, जो संख्या आसान दिखे ना उसकी गुणा करते हैं हम। तो देखो 3 क्या आया हमारे पास, 3 स्लोट आ गए भाई। इसने बोला 6 महीने संयोजित है, मतलब 6 महीने मतलब 12 का 1/2, यानी कि 6 महीने क्या होता है एक साल, तो एक आधा साल, तो कितने लिखेंगे हम 1/2, 3 का 1/2 कितना आ गया 1.5 साल, मतलब 1.5 साल की बात करता है ये, ठीक है भाई। ऑप्शन में है थर्ड ऑप्शन एक सही 1/2 ईयर, ठीक है, मतलब 3/2 और 1.5, ठीक है। ये था हमारा क्या कर क्या क्या हमने इसमें, इसने पूछा अब की बार ब्याज की दर 6 महीने संयोजित है तो क्या कर लिया 12 महीने की 20%, 6 महीने की 10%, 10 ना होंगे कितना है 11, 10 का क्या करे क्या हो जाए 1000 हो जाए। क्या किया हमने क्यूब, 3 क्या है हमारे पास स्लोट, 3 क्या होंगे स्लोट और टाइम दे रखा है, दर्द रखी है वार्षिक 6 महीने, तो 1/2 3 × 1/2 क्या मिल गया हमको 101/2, ठीक है भाई। ये थी हमारी दूसरी टाइप। अब बात करते हैं थर्ड टाइप पे। इसने क्या बोला, इसने बोला 30,000 रुपये की राशि 7 वार्षिक दर से एन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 4,347, ठीक है। राशि कितनी है भाई 30,000, देखो एन वर्षों के लिए एन का मान बताइए, ये थोड़ा अलग टाइप है। इस टाइप को समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं ऑप्शन से करते हैं, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 3, 2, 4, 5। अगर देखो अब की बार क्या दे दिया 7% पर एनम, क्या दे दिया भाई 7% पर एनम। अगर हम एन ऑप्शन ले चलते हैं 1 साल, अगर 7% का एक साल के लिए ब्याज निकाल ले 7% की दर से कितना आएगा 21 रुपये। बट इसने दे कितना रखा है नहीं मनी बात, अगर मैं दो साल के लिए निकालूं ये भी कितना आएगा 2100, फिर छोटे वाले पे 7 × 7, 7×2=14,
अब देखो 2100 2147 2100 2100 4200 4200 4300 कितना आ गया, जो हमको चाहिए था वो मिल गया नहीं मिल गया, तो टाइम कितना होगा, एन की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, दो साल में ब्याज जो दे रखा है इसके, इस पे इक्वल आ रखा है, क्या क्या हमने कुल राशि दे रखी है 30,000 रुपये। इसने बोला, इसने क्या बोला, 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 4347। एन पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, तो अब देखो ऑप्शन दे रखा हमारे पास 2 3 4 5, एक तो लेना ही नहीं हमको, मैं मतलब कैसे बताया मैंने, दो साल दो ऑप्शन लेते ही हमारा कैसे क्या मिल रहा हमको, इतना ब्याज मिल रहा है इसने दे रखा है। तो ये थी हमारी तीसरी टाइप। अब बात करते हैं, ये जो तीन क्वेश्चन कराए हैं मैंने, बेसिक स्टैंडर्ड के तीन क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसने पूछा पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन दो गुना से अधिक हो गया। इसने क्या बोला, 20% चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 20% है चक्रवृद्धि ब्याज, इसने बोला हमको पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या, इसने बोला वह संख्या ज्ञात करो जो क्या हो जाए 20% ब्याज से दुगने से अधिक हो जाए। 20% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अगर 5 रुपये जमा करता तो एक साल बाद कितना मिलता उसको 6, पर देखो 5 × 2 = 10 दुगने से कम रहेगा। तो बात आ गई दूसरे साल की, दूसरे साल के क्या कर दो, स्केयर कर दो, 5 5 25 6 6 36। अब देखो 25 × 50, ये भी दो डबल से कम, फिर 5 गुना कर दो, 25 5 = 125 36 116 भाई गुनाए दो रही है। अब देखो 125 × 2 डबल करना भाई, कितना आ गया 25 25 50 100 100 200 250, और फिर कम रह गया, एक बार फिर गुना कर दो 25 25 625। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे 6 की गुना करनी है हमको, कैसे देखो गुना 6 तो रखिए यहाँ पे, देखो गुना 6, यहाँ पे गुना 6 कर दिया, ये देखो 625 × 2 600 600 1200 25 25 50 है, कितना आया 1250, डबल से अधिक, यही तो रखा है पूर्ण वर्षों में इस दर से क्या हो जाए डबल हो जाए, तो कितने सालों में हो रही है 4 सालों में, तो टाइम क्या आ गया हमारा 4 साल। ठीक है भाई, क्या करें हमने, इसने पूछा पूर्ण वर्षों में इस दर से राशि क्या हो जाए दुगने से अधिक हो जाए, पहले साल 5 रुपये जमा करता तो कितने उसको 1/2 कितना मिलता 6, बट ये डबल नहीं है, डबल से कम ही है, देखो 5 × 10 10 से कम है, 25 ये भी नहीं है, 125 ये भी नहीं है, यहाँ पे ठीक बैठता है 1250 मिलता है, डबल से ज्यादा ही है, तो हमारा टाइम कितना आ गया 4 साल। देखो भैया 4 साल की बात है, ठीक है, आगे वाला देखो उसने क्या दिया, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन 3 गुने से अधिक होगा। अब की बात ने क्या बोला, 40% मतलब क्या हुआ 40/100, 1 0 से 1 0, 2 2 = 4, 2/5 यानी कि 2/5। अब इसने क्या बोला, इस दर से पूर्ण धन क्या होगा 3 गुने से अधिक, क्या होगा भाई 3 गुने से अधिक होगा, धन 3 गुना से अधिक होगा, देखो अगर वो 5 रुपये जमा करता तो 2/5 अगले साल कितना मिलता उसको 7, 3 गुने से कम है, 5 5 5 25 25 125 कम ही है, दूसरे साल में बात करते हैं 5 5 25 7 7 49। अब देखो 25 × 50 50 से भी कम ही है, ये बात करते 3 साल की 345, ध्यान से सुनना भाई देखना। अब देखो
125 दोनी 250 यानी तीन गुने से कम आप भी है तो क्या कर लो, 4 साल की बात करते हैं, 625 और ये कितना आ जाएगा आपका 2401। सातों सातों गुना सात गुना सात गुना सात ठीक है, 625 और 3 गुना 6 18 75 मतलब 18 ज़्यादा मिला, तो टाइम कितना आएगा हमारे पास 4 साल। क्या क्या वही बात है, अगर 500 रुपये जमा करता तो उसको दो बढ़ कितना मिलता 7, और इसने पूछा इस दर से 3 गुने से ज़्यादा हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हमारी कहाँ पे हो रही है यहाँ पे, तो टाइम कितना आएगा हमारा 4 साल ठीक है। अब बात करते हैं, इसने बोला हमको पूर्ण वर्षों में कम संख्या जिसमें 16% चक्रवृद्धि ब्याज से लगाया गया धन 2 गुने से अधिक होगा। अब देखो 16% मतलब 16/100, 4 × 16 4/25 यानी कि 25 रुपये बैंक में जमा करता, 1 साल बाद कितना मिलता उसको 29। अब देखो भाई ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 4 साल मिनिमम, 4 तो दे ही दे रखे हैं, 25 25 625 29 29 841 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 15 625 भाई देखो इतना लंबा क्यूब तो कोई याद रखता, 29 का क्यूब तो याद रखता नहीं है, बट एग्जाम क्लियर करना है तो भाई कुछ बच्चे मिलेंगे आपको जिसको याद होगा, बट अब एक बात देखो 3 साल की तो बात है ही नहीं, ऑप्शन इस पहले पहले ऑप्शन क्या रखा है टाइम 4 5, तो मतलब इतनी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी लंबी, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं इस मेथड से, धैर्य रखिए देखिएगा इन क्वेश्चनों को, सेकेंड में सॉल्व करते हैं हम, बताऊंगा कैसे किया हमने, एक बार अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो भाई 1200 रुपये की राशि, उसने बोला क्या 1200 रुपये की राशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष के चक्रवृद्धि 2 गुने से ज्यादा हो जाएगी। देखो 9% मतलब 9/100 मतलब अगर 100 होती तो बड़े कितने मिलती है हमको 109। कैलकुलेशन लंबी जा रही है हमारी, तो समझो एक बात बताता हूँ आपको मैं, आर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 7%, आर लेस देन 7%, तो क्या अप्लाई करना हमको आर टी बेहतर, मतलब क्या अप्लाई करेंगे हम आर इंटू टी इक्वल टू बेहतर। देखो भाई लॉग टेबल से निकल के आया है, ये जो ये आया है लॉग टेबल से निकल के आया है, आप बस याद कर लो अगर 2 गुना की बात करें, इसने पूछा है इतने रुपए धनराशि इस रेट से 2 गुने से ज़्यादा हो जाए तो क्या करना हमको, 2 गुने की बात है कि क्या यूज करना हमको आर इंटू टी इंटू इज इक्वल टू बेहतर। देखो अगर आपकी रेट जो आपकी रेट है 7% से ज़्यादा या इक्वल दे रखी है तो क्या बड़े वाला आंसर जो यहाँ पे वैल्यू आती है उससे बड़े वाला आंसर, अगर रेट 7% से कम है तो क्या करेंगे छोटे वाला आंसर, बताऊंगा मैं आपको। देखो एग्जांपल ये करते हैं हम, मैंने क्या किया या ध्यान रखना भाई इन बातों को, देखो इसको बोलते हैं हम 1200 रुपये बात करता है, रेट 9% मतलब इससे बड़ी है तो 9 गुना t इज इक्वल टू बेहतर, टी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन में 8 से बड़ी वाली वैल्यू रखी कितनी 8.843। मैंने क्या बोला अगर रेट बड़ी है तो बड़े वाला आंसर, जो टाइम यहाँ पे आता है उससे बड़े वाला आंसर, बड़े वाला आंसर क्या है
8.843, तो ये क्या निकल गया हमारा आंसर। अब बताओ 8 साल की गुना कर लेते क्या, 8 के नहीं 8.843 तो रखा है, कैसे करते गुना? 2 सेकंड लगे, मैंने बताया था आपको, और करते हैं देखो। अगला क्वेश्चन दे दिया उन्होंने हमको, 15,000 रुपए की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है? 4% है भाई। अब क्या है, लेस देन 7 है भाई हमारी रेट, आर गुना टी इज इक्वल टू 72, रेट 4 दे दी, 4 गुना टी इज इक्वल टू 72, टी कितना आ गया, यहाँ कट कट कर लो भाई, 2 दूनी 4 और 2 36 और 2 से 18, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब देखो मैं क्या बोला था, रेट 7 से कम तो आंसर भी छोटे वाला, ऑप्शन दे रखा है 18 छोटे वाला, सी ऑप्शन 17.67, ये क्या आ गया हमारा आंसर, बताओ भाई 17 साल गुणा कर लेते हैं आप। चीजें हमारी बेहतर होंगी, जो क्वेश्चन था हमारा 2017 सीजीएल परी का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक और लेवल की, दोनों क्वेश्चन 2017 के परी में आए हैं, आप नेट पे चेक कर लीजिएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, 250 रुपये की राशि 19 वर्षों में 750 हो जाती है, क्या बोला, 250 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 750 19 वर्षों में, ब्याज की दर याद कीजिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। एक चीज बता रहा हूँ आपको मैं, हमने अब तक तो क्या पढ़ा है, आर गुणा टी इज इक्वल टू बेहतर, आप पढ़िएगा आप आर इंटू टू, आर इंटू टी इज इक्वल टू 114, ठीक है। एक और पढ़िएगा आप, आर इंटू टी इज इक्वल टू 144। अब इन बातों का मतलब समझिएगा भाई, 2017 में पूछा इसने हमसे ये वाला, ठीक है, 2019 सीजीएल में यहाँ तक पढ़ा वो, ये क्या हमारा एक्सपेक्टेड पूछ सकता है भाई इस टाइप का भी, तो देखो ये हैच के लिए। अगर दो गुने की बात करें तो क्या यूज करेंगे हम, आर टी वेक्टर यूज किया हमने, अगर वो 3 गुने की बात करें तो क्या यूज करेंगे हम, आर टी 144, 2 गुना की बात करें, 3 गुना की बात करें और 4 गुना की बात करें एक्सपेक्टेड तो यूज करेंगे हम ये वाला। अब इसने बात की 250 रुपये राशि क्या हो रही है, 750। अब देखो मतलब दिख रहा है हमको यहाँ से 25 गुना 3, 30 गुना में 3 गुना हो रहा है, मतलब 3 गुने की बात कर रखी इसने हमको। तो देखो 19 सालों में रेट ज्ञात करनी है, आर गुणा टी, टाइम दे दिया हमको 19, 114, ठीक है। अब आर कितना आ गया, 114/19, 6%, ऑप्शन चेक कीजिएगा 6%, पहले ऑप्शन है 6%, बताओ भाई आया या नहीं आया। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, इसने दे दिया 500 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 9% दर से 2000 हो जाती है, क्या 500 रुपये कितना हो जाते हैं भाई, 2000, देखो 4 गुना दिख रहा है हमको, एक्सपेक्टेड करा रहा हूँ आपको, तो क्या करना हमको, आर टी 144 क्या दे देने, 9% दर दे दी, 9 गुना टी 144, टी की वैल्यू 9 गुना 16 क्या आ गया भाई, टाइम दे दिया इसने 9, सॉरी रेट दे दी 9, इसने दे दिया
दोबारा करते हैं भाई, आर इंटू डी 144, इसमें यहाँ पे दे रखा है 9% दर, रेट दे दीजिए 9%, 9 × 144 टाइम क्या आ गया हमारा 16। देखो भाई अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे करते हैं तो 16 साल कैसे भी निकलता, बट हमने इसकी मदद से 2-5 सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ये हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था आज की क्लास को। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा आपने। नेक्स्ट क्लास होगी आपके मेन लेवल की, और यूट्यूब के इतिहास में आपको ऐसे क्लास कहीं नहीं मिलेगी, तो वेट कीजिएगा क्लास का। इसी के साथ आप क्लास, धन्यवाद।